दिवसीय तपस्या के समापन पर हुए भंडारे में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं RBS7 लाइव न्यूज। हर खबर सच्चाई के साथ, सच्चाई के प्रति सच्चाई का आईना। इस वक्त की बड़ी खबर, फरीदपुर में 31 दिवसीय खड़े श्री तपस्या के समापन के मौके पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में स्थानीय लोगों सहित तमाम दूर दूर से आए भक्तगणों ने प्रसाद ग्रहण किया। यह भंडारा बरेली जिले के फरीदपुर तहसील के पास स्थित गांव पहलाऊ पांडवों द्वारा स्थापित शिव मंदिर पर किया गया। यह शिव मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक है। योगी विजय देवनाथ महाराज जी बताते हैं कि भंडारे की परंपरा भारत में प्राचीन काल से ही चली आ रही है, हालांकि अब इसका स्वरूप बदल गया है। प्राचीन काल में वह अन्नदाता के रूप में जाना जाता था। अन्नदाता का उल्लेख शास्त्रों और पुराणों में कई स्थानों पर किया गया है। राजा महाराजा यज्ञ हवन और धार्मिक अनुष्ठान करवाते रहते थे। इनमें गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन और वस्त्र बांटे जाते थे। आज वही परंपरा भंडारे के रूप में विकसित हो गई। इस मौके पर फरीदपुर कोतवाल राम सेवक भुता थाना प्रभारी राजेश बाबू मिश्रा, महेंद्र गंगवार स्वर्गीय रामस्वरूप नेताजी के पुत्र पुष्पराज सिंह यादव, जिला पंचायत सदस्य सुधीर यादव, ओम प्रकाश यादव, भुवनेश अग्रवाल, अजीत यादव, राम कुमार राठौर, सत्तार अंसारी ग्राम प्रधान बेटा बुजुर्ग सद्दाम खान, बबलू सागर राम शंकर, संजीव तोमर, उमेंद्र यादव, बाबूपुरी कल्याण, रवि साहू सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। देखिए पूरी रिपोर्ट RBS7 लाइव न्यूज। महीने की तपस्या की आपने, कुछ जानकारी दी बेटा। सबसे पहले सुदम जी, आपको और आपके चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और जो आपने तपस्या की बात की है, यह तपस्या केवल जन कल्याण हेतु फरीदपुर क्षेत्र और भूता क्षेत्र की, दोनों क्षेत्र की खुशहाली हेतु, सुख शांति हेतु यह 31 दिवसीय तपस्या की गई है। खड़े श्री जो मेरी पहले से ही चलती आ रही है, एक वर्ष से ज़्यादा हो गया। 22 नवंबर को एक वर्ष हो गया था इस तपस्या को, जो इस समय में ये हालत में है, पैर फटे हुए हैं। और